हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ विज्ञान चैप्टर नंबर 10th गुरुत्वाकर्षण। इसका आज हम पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। पार्ट दो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा पार्ट रहेगा। इसमें हम गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वत्रिक नियम है उनके महत्व है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, जो सूत्र है, इसका उपयोग जो है वो सामान्यतः कहाँ किया जाता है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का जो ऐसी असंबद्ध घटनाएं हैं जिनके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो उनके बारे में व्याख्या इनके द्वारा की जा सकती है। तो सबसे पहले है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है वो इस ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा होती है, ठीक है। थर्ड इसमें है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, और फोर्थ जो है वो हमें देखना है कि चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा, कारण ज्वार भाटा। तो इम्पोर्टेंट है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसका महत्व कहाँ कहाँ के होता है। तो सबसे है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला, कि हम जो पृथ्वी से बंधे हुए हैं तो जो बल लग रहा है तो वो बल कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है वो किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। थर्ड इसमें देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करते हैं तो वो किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और जो चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है, ज्वार लो टाइड हाई टाइड जिसको हम बोलते हैं, वो किसके कारण होता है? इस गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। सामान्यतः एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है, तो उसका उत्तर होगा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाले बल की गणना। तो अगला हमारा पॉइंट होगा वो होगा पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाले बल की गणना। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाले बल की गणना। तो पृथ्वी चंद्रमा पर जो बल लगाती है तो उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, तो वो सब हम देखेंगे। तो हमें पता है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाले जो बल होता है उसकी गणना हम गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो हमें सूत्र प्राप्त होता है उसके आधार पे की जा सकती है, या हम उसका गणितीय सूत्र का उपयोग करके गणना कर सकते हैं। तो गुरुत्वीय नेतांक जी बराबर क्या होता है? एफ डी स्क्वायर बटा एम स्मॉल एम। ये तो हमें सूत्र प्राप्त था जो गुरुत्वीय का सार्वत्रिक नियम का जो गणितीय सूत्र है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं एफ डी स्क्वायर बराबर जी
एम एम, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं जी एम एम बटा डी स्क्वायर। तो ये गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल एफ, गुरुत्वीय स्थिरांक जी एम एम बटा डी स्क्वायर, इसके आधार पे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे एफ क्या है, एफ यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, जी है गुरुत्वीय स्थिरांक है, एम क्या है द्रव्यमान, और ये एम भी क्या है, ये भी द्रव्यमान है। तो कैपिटल एम यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और स्मॉल एम किसका द्रव्यमान है, चंद्रमा, किसका द्रव्यमान है चंद्रमा, और डी जो है वो है बीच की दूरी, दो भी दोनों पिंड है चंद्रमा और पृथ्वी, उनके बीच की दूरी है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो देखनी है। तो डी चंद्रमा और पिंडों के बीच की दूरी हम बोल सकते हैं। अब हम ये जो प्रायोगिक रूप से हम जब इसको प्रायोगिक रूप से देखा जाता है, ये जो समीकरण है इसको यदि हम प्रायोगिक रूप से जब इसके मान ज्ञात किए जाते हैं तो जो बल है उसकी हम गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रायोगिक रूप से कैपिटल एम, एम ई, ई का मतलब अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 5.972 इंटू 10 की घात 24 केजी। तो ये किसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो ये लगभग किसके बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 × 10^24 किलोग्राम। तो ये किसका है, एम ई। उसके बाद में ये एम स्मॉल है, यानी चंद्रमा का द्रव्यमान, मून, चंद्रमा का द्रव्यमान। तो चंद्रमा का द्रव्यमान प्रायोगिक रूप से जो होता है वो होता है 7.4 × 10^22 केजी, × 10^22 केजी। अब हमें स्मॉल एम कैपिटल एम प्राप्त हो गया, जी गुरुत्वीय स्थिरांक, जी का मान कितना होता है 6.72, ये तो होता है 6.7, ठीक है, × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ये जी का मान हमने लिख लिया। अब जो पृथ्वी है, जैसे ये हमने देखा था, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये इनकी है बीच की दूरी डी। तो बीच की दूरी डी जो है उसका मान कितना है, 3.84 × 10^5 किलोमीटर, 3.84 × 10^5 किलोमीटर, यह हम लिख सकते हैं। यदि इसको मीटर में लिखे तो क्या लिख सकेंगे, 3.84 × 10^8 मीटर। तो ये किसका मान हमें प्राप्त हो गया, डी का मान प्राप्त हो गया। अब हम आसानी से बल की गणना कर सकते हैं। तो अब इसमें मान, जैसे हम मान रखेंगे तो मान रख के हम गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल F बराबर जी एम एम बटा डी स्क्वायर, ये तो होता है। अब इसमें मान रख दो, तो इधर से देखना, इसमें F G का मान कितना होता है, 6.72 लिखो × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
केजी स्क्वायर इनटू एम कितना है 7.4 इंटू 10 की घात 22 केजी। उसके बाद में एम ई का मान रख दो यहाँ पे, ये एम का मान बाद में रखेंगे, पहले एम ई कितना है 6 × 10 की घात 24 केजी इंटू एम यानी चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है 7.4 × 10 की घात 22 केजी, ठीक है, बट्टा डी बीच की दूरी डी कितनी है 3.84 × 10 की घात 8। इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से इसको लिख दो 10 की घात 8, तो ये क्या है मीटर में और ये भी क्या है मीटर में, तो यही तो है। अब एफ बराबर जब इसकी हम गणना करते हैं, इसको काटते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना, इसमें 6.7 × 6 × 7.4 / 3.84 × 3.84। अब ऊपर घाते जो हैं तो 10 की घात ये 11 है, ये आ जाएगी नीचे, ये 24 + 22 ठीक है, और ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस इसे करो तो -11 - 8 - 8, तो ये हमारे पास आ गया ए बराबर। जब इसको हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर जो हमें मान प्राप्त होता है वो आता है 20.17, ठीक है, 20.17 इंटू, और जब इसमें भाग देके इसकी गणना पूरी करते हैं तो मान जो प्राप्त होता है वो 20.17 × 10 की घात 19 न्यूटन जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर 20.02 लिख सकते हैं इंटू 20.02 भी हम लिख सकते हैं इंटू 10 की घात 19 न्यूटन। अब इसको यदि हम और अधिक लिखें तो और अधिक, जैसे ये 7 का क्या हो गया, इधर से हम लेके आए तो कितना हो गया 2 हो गया, तो हम सॉरी यहाँ पे 20.2 लिख सकते हैं, ये 7 5 से अधिक है तो 1 का 2 हो गया, ठीक है, तो 20.2 × 10 की घात - 20 न्यूटन हो गया। अब इसको यदि घात को यदि हम बढ़ाएं तो बढ़ाने से जो दशमलव है वो थोड़ा इधर खिसक जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2.02 × 10 की घात 20 न्यूटन। तो ये जो बल है चंद्रमा और जो पृथ्वी है उनके बीच जो लगने वाला बल है वो होता है 2.02 × 10 की घात 20 न्यूटन हमें प्राप्त होता है। तो ये कुछ बातें हैं वो हमें इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब इधर देखना ये कितना है 8, 16, 17 और 10 27 यहाँ से गए तो कितने बचे, देखो 3 यहाँ से माइनस कर दो तो 19 हो गए, तो 20.17 × 10 की घात - 19 न्यूटन। और जब इसको घात को आगे खिसकाते हैं तो कितना हो जाएगा 2.02 × 10 की घात 20 न्यूटन बल जो है वो लगता है दो पिंडों के मध्य। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी है। तो जी के मान की गणना हम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो पॉइंट होगा तो उस पॉइंट के अंतर्गत जो है वो हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से जो बल की गणना है वो किस प्रकार की जाती है तो उसके बारे में हम अगले पॉइंट के अंदर पढ़ने वाले हैं।
तो वे एक न्यूमेरिकल करेंगे इसमें, और उस न्यूमेरिकल के द्वारा हम इसको और अधिक समझ सकते हैं कि दो जो पिंड होते हैं उनके मध्य जब बल लगता है तो उसकी गणना किस प्रकार से है की जा सकती है। तो अब इसको एक क्वेश्चन के रूप में हल करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान का गोला, क्वेश्चन है 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोला है, ठीक है। दूसरे 80 किलोग्राम द्रव्यमान के गोले द्वारा दूसरे 80 किलोग्राम के गोले द्वारा, यानी दूसरे गोले का द्रव्यमान कितना 80 किलोग्राम है, 0.25 × 10⁻⁶ भार, 0.25 × 10⁻⁶ भार, ठीक है, 6 kg भार के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करता है, भार के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करता है, अनुभव करता है, ठीक है। दोनों गोलों के केंद्र के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है, दोनों गोलों के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो दोनों गोले हैं उनके मध्य की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की गणना करें तथा जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। तो अब देखो हमें सभी मान दे रखे हैं, तो हमें गुरुत्वीय जो नियतांक है उसकी गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, तो गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक की गणना करनी है। ठीक है, अब हमने देखो पहले पढ़ा था कि m कैपिटल m है 80 किलोग्राम, ये मान लो। स्मॉल m दूसरे पिंड है उसका है 40 किलोग्राम, ठीक है, और भार है w बराबर है 0.25 × 10⁻⁶ किलोग्राम। उसके साथ साथ जो दे रखा है दूरी D वो है 30 सेंटीमीटर, G का मान जो दे रखा है वो कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, G गुरुत्वीय नियतांक की गणना करनी है, ठीक है। अब देखना है इसमें W बराबर क्या होता है, mg होता है, ध्यान रखना W बराबर mg, ठीक है। तो W की यदि गणना करें, ठीक है, तो बताओ M का मान कितना है, W बराबर mg, तो m बराबर उसकी यदि हम द्रव्यमान की गणना जो है वो करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं, W और ये किया गया कार्य बल ये आपस में बराबर होते हैं, तो m का मान कितना है, यहाँ पे द्रव्यमान जो भी दे रखा है पिंड का और g गुरुत्वीय भार, जैसे कितना दे रखा है 0.25 × 10⁻⁶ × 9.8, और जब इसको हल करेंगे तो हल करते ही बताओ कितना आता है, जब इसको गुणा करते हैं तो आएगा जो भी हमें मान प्राप्त होता है, हम इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। इसी प्रकार डी जो है उसका मान किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में,
तो 30 को सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 100, तो 0.3 मीटर। तो d का मान हमारे पास है 0.3 मीटर, w और f 0.25 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू 9.8। अब ये हमारे पास है तो g का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, तो हमने पढ़ा था है बराबर gmm बटा d स्क्वायर, यही तो पढ़ा था। अब देखो f बराबर, अब यहाँ से हमें g की गणना करनी है तो g बराबर क्या हो जाएगा, f d स्क्वायर बटा m स्मॉल m। अब इसमें मान रख दें, मान रखने पर तो मान रखेंगे तो इधर देखो g बराबर f, f का मान कितना है 0.25 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू 9.8, यही तो है f का मान। d तो d दूरी कितनी है 0.3 इंटू 0.3 बटा कैपिटल M, तो कैपिटल M कितना है 80 इंटू स्मॉल m कितना है 40। तो जब इसको आगे और अधिक हल करते हैं तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 25 नीचे 100, इसका हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 10 10, ठीक है। ये हमने पॉइंट हटा दिए यहाँ से तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 98 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 की घात माइनस 6, ठीक है। इधर आ जाएगा 80 इंटू 40 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने लगा दिए। अब इसको और अधिक हल करते हैं तो हल करने पे जो उत्तर है वो प्राप्त होता है वो कितना हो जाएगा, यदि घातों को और अधिक हल करें तो किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, तो ये जो मान है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225 इंटू, देखो 25 थी 75 थी 225 हो गए, इंटू 98 इंटू 10 की घात माइनस 11, ठीक है। कैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो 7 ये घात 5 ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, और इधर क्या हो जाएगा 8 चौक 32, तो कितना हो जाएगा 32 इंटू, हम लिख सकते हैं 100, लिख सकते हैं 32 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो देखना यहाँ पे 3 9 और 25 को 9 से गुणा किया तो 225 इंटू 98, और ये 5 घाते ऊपर गई तो कितनी हो गई 11, बच गई ये 100 और 8 चौक 32, और जब 225 को 98 से गुणा करें और उसको और अधिक हल करें तो उत्तर हमारा आता है 6.89 इंटू 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो हम गुरुत्वीय स्थिरांक जी या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी उसकी गणना है वो दिए गए मान के आधार पे आसानी से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है और उस न्यूमेरिकल के द्वारा हम जी के मान की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से जो है वो गुरुत्वीय जो त्वरण है, ठीक है, उससे रिलेटेड या उससे पहले जो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना किस प्रकार होती है उसके बारे में हमने जाना, और उसी के साथ एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हमने गुरुत्वीय स्थिरांक जी की गणना वो एक न्यूमेरिकल के द्वारा हमने की। और अगला हमारा जो वीडियो रहेगा
उस वीडियो के अंतर्गत हम मुक्त पतन के बारे में पढ़ने वाले हैं।